सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ऑनलाइन जॉब वर्क को या सब्सक्राइब के निशान पर टच करके और उसके बाद घंटे के निशान पर भी टच कर दीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और ये बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो गैस की सब्सिडी है उसका आप कैसे पता कर सकते हैं कि वो आपके किस बैंक अकाउंट में आ रही है और उस बैंक अकाउंट का नंबर क्या है और वो उस बैंक का नाम क्या है जिसके अंदर आपके बैंक की सब्सिडी आ रही है। क्योंकि एक ही घर में कई बार कई हमारे दो तीन अकाउंट होते हैं और हमें ये पता नहीं चल पाता है कि हमारे किस अकाउंट के अंदर हमारे जो गैस की सब्सिडी है वो आ रही है। तो दोस्तों मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई थी जिसमें सब्सिडी के बारे में बताया गया था कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं, तो उसमें आप ये भी देख सकते थे कि किस तरह से उसमें आप अकाउंट नंबर या बैंक की डिटेल देख सकते हैं। लेकिन कई लोगों को समझ नहीं आया तो उन्होंने मुझे पूछा कि प्लीज़ हमें बैंक के बारे में बताइए, अकाउंट के बारे में बताइए कि कैसे पता कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये दूसरी वीडियो बनाई है, तो हमें बिल्कुल सेम प्रोसीजर वही अपनाना है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो प्लीज़ आप ध्यान से इसे देखते रहिएगा ताकि आपको ठीक ठीक समझ में आए। तो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए, देखिए दो ऑप्शन आप टाइप कर सकते हैं, या तो देखिए आपको ये दिख रहा है माय एलपीजी ट्रांसपेरेंसी पोर्टल, या फिर आप टाइप कर सकते हैं माय एलपीजी डॉट इन। यहाँ पर माय एलपीजी डॉट इन के ऊपर अगर आप टाइप करेंगे तो वहाँ पर आपको तीन सिलेंडर बताए गए थे, तो आपके जो भी कंपनी का सिलेंडर है, एचपी का है या हिंदुस्तान का है या कुछ भी, देखिए मैं आपको टच करके बता देता हूँ माय एलपीजी डॉट इन पर। तो उसमें पहला लिंक आपको ये मिलेगा, यहाँ पर आपको टच कर देना है माय एलपीजी डॉट इन लिखकर, तो उसमें आपको ये तीन सिलेंडर मिलते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपका जिस भी कंपनी का सिलेंडर है, मान लीजिए भारत गैस का है तो भारत गैस पे टच करना है, एचपी का है तो एचपी पे, और इंडियन का है तो इंडियन पे, ठीक है दोस्तों। और दूसरा तरीका जो है वो है आप गूगल ब्राउज़र पे ही जाएंगे और यहाँ पर आपको लिखना है माय एलपीजी ट्रांसपेरेंसी, सॉरी ये मैंने गलती से ये टच हो गया, तो उस पर आपको लिखना है माय एलपीजी, ये देखिए ट्रांसपेरेंसी पोर्टल। तो आपको यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट ये लेंगे तो भी वही पेज खुलेगा। देखिए मैं यहाँ पर पहले टच कर देता हूँ माई एलपीजी ट्रांसपेरेंसी पोर्टल। अब देखिए यहाँ पर तीन, अगर मान लीजिए आपका इंडियन गैस का है तो आप यहाँ इंडियन गैस के पोर्टल पे यहाँ पे टच कीजिए, ये देखिए इंडियन गैस। अगर आपका भारत गैस का है तो देखिए यहाँ पर आपको नीचे भारत गैस का भी पोर्टल मिलेगा, आप यहाँ भारत गैस वाले पे टच कर सकते हैं। और अगर आपका एचपी का है तो आप यहाँ नीचे एचपी के गैस पोर्टल पे भी यहाँ पे टच कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरा तो एलपीजी इंडियन का है तो मैं यहाँ पर इंडियन वाले पोर्टल पे यहाँ टच कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो है मैं डायरेक्ट एंट्री मेरी यहाँ पर हो चुकी है। और अगर हम माई एलपीजी डॉट इन से करते हैं तब भी यही पेज खुलता है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ वरना आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। देखिए माई एलपीजी डॉट इन पे मैं यहाँ पर अगर टच करता हूँ तब भी यहाँ से वही पेज आएगा जो अभी यहाँ पर आया था, बस हमें यहाँ पर हमें सिलेंडर अपना चुनना होता है। तो मैं यहाँ पर अपना इंडियन चुन लेता हूँ, देखिए मैंने इंडियन चुना और देखिए वही पेज यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हमें ऑडिट डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट करना होता है जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, तो यहाँ पर ऑडिट डिस्ट्रीब्यूटर पे हमें टच करना है। अब यहाँ पर जैसे हम टच करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगाता है कई बार और कई बार ये एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर दो तरीके होते हैं अपने, या तो अगर आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर जो भी आपको गैस सर्विस देता है, जो भी आपकी एजेंसी है, आप यहाँ पर उसका नाम लिखकर भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं अगर आपको उनका नाम पता है तो, और अगर आपको उनका नाम नहीं पता तो आप यहाँ से भी अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर आप अपनी स्टेट लिख लीजिए, यहाँ लिख दी मैंने दिल्ली। अब यहाँ पर नीचे है डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट में आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट लगती है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर का कॉलम आता है, डिस्ट्रीब्यूटर के कॉलम पे आप टच कीजिए और आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी आपको गैस सप्लाई करता है, जो भी एजेंसी है, वो यहाँ पर आप पढ़कर सही से सेलेक्ट कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे तो देखिए नीचे आपको ये एक कैप्चा कोड है, यहाँ पर आपको वो डालना है और आप यहाँ से किसी भी साल का यहाँ पर चुन सकते हैं, जैसे कि यहाँ 2017-18 है तो आप इसको 16-17 भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ कैप्चा ये जो नीचे लिखा हुआ कोड है हमें यहाँ पर लिखना है और जैसा यहाँ पर दिया गया है बिल्कुल हमें ठीक ठीक लिखना है, छोटे अक्षर हैं तो छोटे लिखने हैं और बड़े अक्षर हैं तो बड़े लिखने हैं। तो जैसा भी आप प्लीज़ ध्यान से इसको देख के और ठीक ठीक इसको लिखिएगा। तो जैसे कि मैंने ये कैप्चा कोड यहाँ पर लिख दिया है और उसके बाद हमें यहाँ प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा टाइम लगा लेता है तो हम यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेंगे, अगर
आप भी प्लीज इस तरह से वेट कीजिएगा, ये ना हो कि आप बार बार इसे बैक का बटन दबाएं तो ये फिर साइट जो है वो क्लोज हो जाती है, तो उसके बाद फिर आपको शुरू से दोबारा ट्राई करना पड़ता है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप यहाँ पर थोड़ा वेट कर लीजिए। तो जैसे हम प्रोसीड के ऊपर टच करेंगे तो उसके बाद इस तरह का एक पेज खुलेगा। अब देखिए मैं यहाँ पर जूम करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सेम हमें वही प्रोसीजर यहाँ अपनाना है और यहाँ पर हमें कंज्यूमर कंजप्शन कैश डिटेल्स ट्रांसफर डिटेल जो है इसके ऊपर ही हमें टच करना है। उस वीडियो में भी आप ये समझ सकते थे, लेकिन जिन लोगों को नहीं समझ में आया तो मैं चलिए इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर आपको वो अकाउंट नंबर और बैंक की डिटेल दिखेगी। तो देखिए फिर इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह का पेज खुलेगा। अब यहाँ पर हमें हम अपने नाम से सर्च कर सकते हैं, अपने नाम के पहले अक्षर से हम सर्च कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर जो आपको दिख रहा है ABCD जो है, आप अपने नाम के पहले अक्षर से भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप यहाँ पर अपना LPG ID लिखकर या फिर अपना कंज्यूमर नंबर यहाँ पर लिखकर, अगर आपको दोनों याद नहीं है तब भी आप यहाँ पर अपना नाम लिखकर, इस बॉक्स में अपना नाम लिखकर उसे सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अपना यहाँ पर आपको नाम लिख के अब दिखा देता हूँ। तो मैं नाम लिख लेता हूँ। तो नाम लिखने के बाद आपको गो या सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए इस तरह की फिर एक लिस्ट खुलेगी, तो उसके ऊपर आप देख लीजिए बिल्कुल ठीक ठीक अपना, और अगर आपके पास आपके गैस की पर्ची है तो उसमें आप अपना कंज्यूमर नंबर मिला लीजिएगा और यहाँ पर अपना नाम जो है ठीक ठीक आप अपना मिला लीजिएगा। तो जैसे आप उसको मिलाएंगे उसके आगे आपको दिख रहा होगा ये रेड कलर में आपको नंबर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, ये जैसे कि ये नंबर लिखे हुए हैं, आपको इसी नंबर पर क्लिक करना है जो भी आपका नाम है उसके आगे वाले पर। तो हम इसी नंबर पर क्लिक करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये पेज आ गया है, मतलब मैं यहाँ पर अब ये देख सकता हूँ। देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा ये पेज, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसे बिल्कुल हल्के हाथ से आप टच कीजिएगा, नहीं तो ये बार बार आपको आगे पीछे होता रहता है और बहुत ही मुश्किल से, देखिए जैसे कि अभी ये हो गया है, बहुत ही मुश्किल से हम इसको देख पाते हैं। तो मैं इसको दोबारा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर जनरेटेड एक मैसेज होता है जो कि हल्के से भी टच होने से ये आगे पीछे हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको पहले नंबर पे दिख रहा होगा ऑर्डर नंबर, दूसरे पे ऑर्डर डेट, तीसरे पे कैश मेमो, जो कि हमारी गैस की जो स्लिप होती है उसे कैश मेमो कहा जाता है, ये उसका नंबर है। और कैश मेमो की डेट है ये डिलीवरी डेट है कि किस तारीख को हमें डिलीवर्ड हुआ है सिलेंडर, कितने नंबर हमें सिलेंडर मतलब मिले हैं उस महीने, और हमें सब्सिडी कितने रुपये मिली है यहाँ पर वो लिखा गया है। देखिए किस महीने हमें कौन सी सब्सिडी मिली है, कितने रुपये हमें मिले हैं यहाँ पर वो लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं डेट ट्रांसफर्ड, मतलब किस तारीख को हमारे अकाउंट में जो ट्रांसफ़र किया गया है वो तारीख है ये। उसके बाद CTC स्टेटस है, उसके बाद आपका अकाउंट नंबर, और उसके बाद देखिए बैंक का नेम। तो यही वो दो चीज़ थी जिसके बारे में आप कंफ्यूज हो रहे थे, तो इसी लिस्ट में वो आपको मिलता अगर आप उसमें भी ध्यान से देखते, तो वो मैंने यहाँ पर आपको बताया भी था। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर और बैंक का नेम यहाँ पर मिल गया है, आप अपने पंजाब, मान लीजिए आपका पंजाब नेशनल बैंक है तो यहाँ पंजाब नेशनल बैंक होगा, या जो जो भी बैंक होगा वहाँ का नाम, उस बैंक का नाम आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप उसकी पासबुक से अपना अकाउंट नंबर, यहाँ अकाउंट नंबर के जो चार अक्षर हैं लास्ट के, वो आप यहाँ पर मिला लीजिएगा। सिक्योरिटी रीजन से यहाँ पर आपको पूरा अकाउंट नंबर नहीं बताया जाता ताकि कोई इसका मिसयूज ना कर ले, इसलिए सिर्फ लास्ट के आपको चार नंबर ही यहाँ बताए जाते हैं। और तो आपका यहाँ पर जो बैंक का नाम है, आप बैंक के नाम से अपना देख लीजिए कि हाँ इस हमें बैंक में हमारा पैसा आ रहा है, और आप उसकी पासबुक से अपना अकाउंट नंबर मैच कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि किस बैंक और किस बैंक अकाउंट के अंदर आपके गैस की सब्सिडी आपको मिल रही है। तो ये थी एक वीडियो आपके लिए कि आप किस तरह से गैस सब्सिडी के अकाउंट नंबर का पता कर सकते हैं कि किस में आपको सब्सिडी मिल रही है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए यहाँ लाल निशान के ऊपर टच करके, और उसके बाद घंटे के निशान पर ज़रूर टच कीजिए दोस्तों, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।